तो ये है जी मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना मंदिर है, बाकी ये सभी घर हैं और ये सभी हमारे हिंदू भाइयों के घर है, ठीक है। और यहाँ पर लोग आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। ये देखें, अंदर चलते हैं और आपको महादेव जी के दर्शन करवाते हैं, जो कि मंदिर है मेन। यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपका नाम? सनी देवल। सनी देवल है? हाँ। रियल नाम है सनी देवल? अच्छा, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं। तो बच्चे का नाम भी सनी देवल है, आपका नाम? दीपक। अच्छा दीपक, मैं समझा तो शायद अक्षय कुमार होंगे। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं एक मंदिर पे, जो कि महादेव का मंदिर है, हमारे शिव जी का मंदिर है और बहुत प्यारा मंदिर है। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, जो कि आपको देख आप देख सकते हैं, जो कि हमारे पीछे ये सामने मंदिर, ठीक है, ये देखें। सो ये मंदिर आपको विजिट करवाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर यानी कि वाक़ है या कौन सी प्लेस है। तो ये प्लेस है बेसिकली भील नगर, जो कि रहीमियर खान के अंदर एक छोटा सा इलाका है, ठीक है, भील नगर का, वहाँ पर ये मौजूद है ये मंदिर, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं अच्छे से। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अशोक भाई भी मौजूद हैं, जो कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। और ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ये देखें कुछ इस तरह से बाहर का नज़ारा है, और ऊपर ओम बना हुआ है और नीचे हर हर महादेव और शिव मंदिर लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ भील नगर रहीमियर खान, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ सेवादारी चेतन दास पनवार। तो ये यहाँ पर यानी कि सेवादारी चेतन दास इनका नाम है। तो ये मेन गेट है, ठीक है, मंदिर का। यहाँ से जो हम एंटर होंगे तो ये है जी मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना मंदिर है, बाकी ये सभी घर हैं और ये सभी हमारे हिंदू भाइयों के घर है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पूरा गांव हिंदुओं का है, और इसके अंदर भी चलते हैं और आपको जो है अभी मंदिर विज़िट करवाते हैं। तो ये गेट है, ये देखें, और एंटर होते ही अंदर आते ही कुछ इस तरह का जो है ये व्यू होता है, सीन होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, ये देख सकते हैं आप मंदिर के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पर ये मटके भी पड़े हुए हैं जिसके अंदर पानी है, ठंडा पानी, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए, ये देखें तो स्वास्तिक वगैरह बने हुए हैं पत्तों के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सो और ये मंदिर है, ठीक है, इसके अंदर अभी चलते हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं। और यहाँ पर भी ओम बना हुआ है, तो जूते जो हैं हम यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। तो ये हमारे जूते और ये मंदिर है, बिना टाइम वेस्ट के अंदर चलते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं। तो ये देखें फाइनली ये मंदिर है, जो कि आप देखते हैं ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर स्थापित हैं, उनकी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी हैं महादेव जी, ये देखें महादेव जी, माँ पार्वती, श्री गणेश जी और श्री कृष्ण जी, बाकी भी यहाँ पर ये देखें माँ सरस्वती और इसके अलावा भगवान विष्णु, तो यानी कि इनकी भी यहाँ पर फ़ोटो स्थापित हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर भी फ़ोटो हैं, तो जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जी मतलब कि एक छोटा सा बनाया हुआ स्टेज वगैरह, आई थिंक यहाँ पर मतलब कि अगर भक्ति वगैरह होती होगी, जो लोग भक्ति वगैरह करने के लिए आते होंगे, ये स्टेज वगैरह बनाया हुआ, यहाँ पर लोग बैठ के जो है भक्ति वगैरह करते होंगे, ठीक है। सो फाइनली ये मंदिर है, जो कि आप देखते हैं और अंदर आपको लेकर चलते हैं। बहुत प्यारा मंदिर है, अशोक भाई ऑलरेडी विज़िट कर रहे हैं, वो पहले वीडियो के अंदर दिखा दें तो मैं फिर आपको विज़िट करवाता हूँ, बाकी का मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें कुछ इस तरह का मंदिर है, इस साइड पर भी ये दरवाज़ा है, और ये देखें यहाँ पर रामदेव जी यहाँ पर स्थापित हैं, बाबा रामा पीर भी इनको कहा जाता है, हमारे यहाँ बाबा रामा पीर कहते हैं इनको, ठीक है। तो बाबा रामदेव पीर यहाँ पर स्थापित हैं घोड़े के ऊपर, और यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी राधा जी हैं, ये देखें, ठीक है। और यार ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी है, दीवार के ना हर जगह पे जहाँ जहाँ आप नज़र डालेंगे आपको ओम बना हुआ नज़र आएगा, ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये देखें यहाँ पर भी ओम है, तो तकरीबन हर जगह पे ओम बने हुए हैं, ये देखें, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पर भी ओम बना हुआ है, और ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं ये मंदिर के अंदर, जो कि छुप रहे हैं, तो वीडियो में मतलब कि नहीं आना चाह रहे तो छुप रहे हैं वैसे ही। और यहाँ पर बच्चों को जो है ना डेली हिंदी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी की शिक्षा भी दी जाती है। सो डेली 2 बजे जो है यहाँ पर जो है जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, वो आते हैं यहाँ पर और बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है लोगों, यानी कि बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है हिंदी की। बाकी यहाँ पर भी है हमारे बाबा रामदेव पीर, और यहाँ पर ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, जो कि आप देखते हैं,
ये देखें, ये देखें यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है नमो महाविधानीय, तो ये देखें कृष्णा प्रेम प्रदायते। तो मैं अगर सही पढ़ रहा हूँ तो आप काइंडली कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैंने सही पढ़ा है। बाकी का जो सीन है जो है हिंदी लिखी हुई, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, ये सारी लिखी हुई है, ये देखें। और यहाँ पर भी हमारे श्री कृष्ण जी हैं जो कि स्थापित हैं, ठीक है। और एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है, ये भी अभी बंद है। और ये मंदिर अभी न्यू बनाया है ना? अभी न्यू है। कितना टाइम हो गया है? तकरीबन हो गया इसे तकरीबन साल के करीब हो गया है। अच्छा हाँ। तो मतलब दोस्तों क्या चीज़, अभी भी न्यू बनाया है, साल के करीब टाइम हो गया है। सही, पहले बहुत ज़्यादा मतलब छोटा था ये मंदिर। अच्छा, अभी मतलब के बहुत मतलब बड़ा किया है मंदिर को इसको। सही अभी भी सही। सही मतलब दोस्तों मतलब कि न्यू मंदिर है, तो वैसे भी देखने से पता लग रहा है कि वाकई ये भी न्यू मंदिर बनाया गया है और इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है, यानी कि पहले छोटा था और अब इसको बनाकर बड़ा कर दिया गया है। तो मंदिर जो है ये पहले छोटा हुआ करता था लेकिन अभी काफ़ी प्यारा और बड़ा मंदिर बनाया है। तो बहुत प्यारा मंदिर है, यहाँ पर मुझे आकर काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। सो कमाल का मंदिर है। और अभी जो है अंदर चलते हैं और आपको महादेव जी के दर्शन करवाते हैं जो कि मंदिर है मेन, ठीक है। ये देखें, और ये हम एंटर हो चुके हैं अभी मंदिर के अंदर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप महादेव माँ पार्वती, यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी महादेव और माँ शेरावाली भी यहाँ पर स्थापित हैं और श्री गणेश जी की यहाँ पर भी जो है मूर्ति फ्रेम के अंदर बनाकर यहाँ पर स्थापित की गई है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा मंदिर है। साईं बाबा भी यहाँ पर स्थापित हैं, ये देखें, ये मतलब बहुत काफ़ी प्यारा मंदिर है और काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर ये शिवलिंग भी स्थापित है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डेली जो है यहाँ पर डेली आरती पूजा भी की जाती है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थाली और ये दिया वगैरह यहाँ पर यानी कि पड़ा हुआ है। सो ये मतलब सारा सामान है यहाँ पर मौजूद, तो जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत झूमर भी लगा हुआ है। बाकी का ये सीन है, ये देखें फ़ैन और लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन वगैरह सारा जो सीन है वो आपके सामने, और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं, ये देखें। मतलब मुझे पहले इस मंदिर के बारे में नहीं पता था, तो अशोक भाई ने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, तो मुझे तो नहीं पता था कि हमारे एरिया में इतना प्यारा और बड़ा मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। तो फाइनली काफ़ी अच्छा लगा, सो पता लग गया कि यहाँ पर भी एक मंदिर है। तो आप रेगुलर आते रहेंगे, जब जब टाइम मिलेगा तो यहाँ पर आकर दर्शन किया करेंगे और माथा टेका करेंगे। और दोस्तों अभी जो है हम जा रहे हैं एक और मंदिर पे, यहाँ पर एक और भी मंदिर है, काफ़ी प्यारा मंदिर है, और वो है श्री कृष्ण जी का मंदिर, तो वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे महादेव शिव जी का मंदिर जो कि आपको अभी सारा कुछ दिखाया अंदर से, ठीक है। और अभी हम इस तरफ यहाँ पर अगर नज़र डालें तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, और नीचे उर्दू में लिखा हुआ है धन्यवाद, ठीक है। सो ये गेट है और अभी चलते हैं और आपको जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है वो आपको विजिट करवाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, तो ये रहा हमारे बगल में ही ये मंदिर है, गेट है, ठीक है। और अशोक भाई और हमारे साथ एक और दोस्त हैं, तो ये भी आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार भाई हैं। और फाइनली ये मंदिर है। सो मंदिर का जो अभी लॉक लगा हुआ है ये देखें, तो ताला लगा हुआ है तो अभी बंद है। और ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये उर्दू में लिखा हुआ है, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर, ठीक है। तो और नीचे लिखा हुआ कृष्णा मंदिर, फिर भील नगर रहीमियार खान और सेवादारी अक्रूरदास और हरजी दास, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं यहाँ के सेवादारी इस मंदिर के, यानी कि पुजारी हैं, ठीक है। और ये ताला बेसिकली इसलिए लगा हुआ है कि इस मंदिर की जो चाबी होती है वो होती है महाराज जी के पास, जो यहाँ के जो सेवादारी हैं अक्रूर जी, जो मैंने आपको नाम बताया, चाबी आ गई है। तो फाइनली चाबी भी आ चुकी है। तो हम बेसिकली दोपहर में आए थे, जब आपको बताया था ना वो मंदिर विजिट करवाया,
तो उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, उस वक्त भी ये ताला लगा हुआ था, हमने वेट किया, हमें चाबी नहीं मिली, और अभी दोबारा आए तो फिर ताला लगा हुआ था, चाबी मंगवाई, चाबी नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको वैसे ही दिखा देते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ जो है चाबी मिल चुकी है और मंदिर भी खुल चुका है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चलते हैं और आपको जो है मंदिर विजिट करवाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जूता अंदर नहीं, नहीं हाँ इधर उतार दें, इधर उतार दें। तो दोस्तों जूता जो है हम यहाँ पर उतार देंगे और इसके अंदर चले जाएंगे, ये देखें। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं दीवारों के ऊपर, देख सकते हैं आप, ये देखें ये फ़ोटो। और इसी के साथ ये मेन मंदिर है, तो आपको दिखा देते हैं, ये देखें यहाँ पर ओम बना हुआ है, तो ये देखें, ठीक है। और ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर है, ठीक है। तो अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवा देते हैं, ये देखें भाई। सो यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी और राधा जी स्थापित हैं और इनके वस्त्र आप देखते हैं, और काफ़ी प्यारी मूर्ति स्थापित की गई है दोनों की इस मंदिर के अंदर। तो मतलब ये भी काफ़ी प्यारा मंदिर है, ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं। आई होप के काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको भी ये मंदिर, सो आप कमेंट करके काइंडली बताएंगे। और ये सीढ़ी है, ये ऊपर तक जाती है, ठीक है। तो ऊपर कोई हॉल वगैरह बना होगा, ठीक है, और बाकी का जो सीन आपके सामने है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये मंदिर है, ये आप अगेन से देख सकते हैं, तो जो कि आपके सामने ही है। और एक और चीज़, यहाँ पर ये उर्दू में लिखा हुआ है ऊपर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो काफ़ी प्यारा है। और यहाँ पर गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी उर्दू में लिखा हुआ है, ये देखें। आपका क्या नाम है? ज्ञानचंद। हाँ। आप यहाँ के रहने वाले हो? यही साथ में। सही, तो पास ही दोस्तों, ये जो गेट है पास वाला, ये घर है इस भाई का, तो ज्ञानचंद का है। ऊपर 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 क्या चीज़ है? ऊपर ऐसे ही हॉल बना हुआ, खाली हॉल बना हुआ है। सही। सो दोस्तों ऊपर जो है खाली वैसे ही हॉल बना हुआ है, तो आपको चलकर छोटा सा एक नज़ारा दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं, तो इनसे भी आपको जो है मिलवा देते हैं। हाँ बच्चे, राम राम। श्री राम। आपका नाम? सनी देवल। सनी देवल हैं? हाँ। अबे वाकई रियल नाम है सनी देवल? अच्छा, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं। तो बच्चे का नाम भी सनी देवल है, आपका नाम? दीपक। अच्छा दीपक, मैं समझा तो शायद अक्षय कुमार होंगे। चलो दीपक से नाम रखते हैं, ये भगवान का घर है, यहाँ पे प्रार्थना और करते हैं, गाने गाते हैं और भजन भी गाते हैं, ढोलक मास्टर सनी देवल। अच्छा ढोलक पे जाते हैं आप? सही। तो बच्चा कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर पूजा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, तो मतलब कि सब कुछ करते हैं भाई, हैं डायलॉग भी बोलते हैं, मूवी में एक्टिंग भी करते हैं। एक्टिंग करते हो? करके दिखाओ सनी देवल की, कोई डायलॉग बोलो। ऐसे तो ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है, बोलो ना कोई एक छोटा सा डायलॉग। काजल तुम सर मेरी हो और किसी की नहीं होती, ये नातों ने हथियार चलाना नहीं। वाह। तो दोस्तों जीत फिल्म का जो डायलॉग बड़ा फेमस था कई दौर में, सनी देवल का वो डायलॉग बोला था काजल वाला, ठीक है। सो अभी ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से जो है दिखा देते हैं हाल जो बना हुआ है, ठीक है। तो ये सीढ़ियां हैं और सनी देवल आगे आगे हमारे, तो हाँ बिल्कुल जी, वो तुलसी माता, ये देखें ये सामने, ये तुलसी माता है, ठीक है। और ये हाल है, ये ऊपर से छत बनी हुई है, और सामने ये शायद कोई वॉशरूम के लिए बनाया गया है। वैसे ही है? हाँ। मतलब सामान वगैरह रखने हाँ। के लिए। अच्छा सर, चले सही है, धन्यवाद। तो दोस्तों फाइनली ये था मंदिर, महादेव जी का मंदिर, यानी कि शिव जी का मंदिर सबसे पहले आपको दिखाया, और फिर आपको ये महादेव जी का मंदिर भी आपको दिखाया, और सॉरी श्री कृष्ण जी का मंदिर भी आपको दिखाया। तो काफ़ी प्यारा मंदिर, दोनों ही प्यारे मंदिर थे, और काफ़ी अच्छा लगा हमें दर्शन करके, और आपको भी आई होप के अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी दर्शन किए दोनों मंदिर के, और आप कमेंट करके बताएंगे कि दोनों मंदिर आपको कैसे लगे। बाकी अशोक भाई और ये आकाश भी, आकाश भी नाम बताया ना आपने, आकाश भी मेरे साथ हैं। तो अभी इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।